जो हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की बात करते हैं उसमें दूसरा बिंदु जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है कि हमारी जो वैरायटीज लगी हैं इनके लिए ऑप्टिमम स्पेसिंग क्या हो ताकि हम अच्छी उपज भी ले पाएं और फलों की गुणवत्ता पर भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ हमने तीन तरह की स्पेसिंग्स पे काम किया है जिसमें रो टू रो स्पेसिंग तो सभी जगह 2.5 मीटर की रखी है, 2.5 मीटर, और जो विद इन अ रो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है वो 0.25 मीटर, 1 मीटर और 1.5 मीटर की रखी है। अब आप देख सकते हैं ये 2.5 मीटर x 0.25 मीटर पे जेरोमाइन लगा हुआ है M9 रूट स्टॉक पे, और इसमें अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की तो 5,333 पौधे पर हेक्टेयर के हिसाब से आते हैं, तो इसमें ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, आप अगर देख पा रहे होंगे बहुत क्लोज स्पेसिंग की वजह से टहनियाँ एक दूसरे के अंदर घुस रही हैं तो उससे थोड़ा शेडिंग इफेक्ट आ जाता है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। और दूसरी स्पेसिंग जब अगर आप करके देखेंगे आप तो आगे ये काफ़ी आगे लंबी रो इसी स्पेसिंग पे है, उसके बाद हम 1 मीटर वाली स्पेसिंग में आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस एक दूसरे पे यहाँ जब क्लोज स्पेसिंग है एक दूसरे पे जा रही है, और दूसरी हमारी स्पेसिंग है 2.5 मीटर x 1 मीटर की। ये आप देख सकते हैं अभी तक 0.25 मीटर वाली ही चल रही है, 2.5 मीटर x 0.25 मीटर की। नो डाउट प्रोडक्टिविटी यहाँ भी अच्छी आ रही है, फलों की गुणवत्ता में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा दोनों में, लेकिन पौधों को जगह काफ़ी कम मिल रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2.5 मीटर x 1 मीटर वाली स्पेसिंग है, तो यहाँ ब्रांचेस आराम से एक दूसरे में कोई हिंडेंस ना करते हुए, और गुणवत्ता में भी शायद आप थोड़ा बहुत देख पाओगे कलरेशन में साइज में फ़र्क। तो जितनी ऑप्टिमम स्पेसिंग रहेगी उतनी बढ़िया हमें उत्पादन भी मिलेगा और फलों की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। और इसके बाद अगला जो हमारा है 2.5 मीटर x 1.5 मीटर की स्पेसिंग वाला, ये अभी 1 मीटर का ही चल रहा है। आप देख सकते हैं फलों की गुणवत्ता, पौधों की बढ़वार, क्योंकि जब स्पेसिंग कम रहती है पौधों को बढ़वार के लिए जगह कम मिल पाती है तो बेशक गुणवत्ता पे नेगेटिव प्रभाव ना भी पड़े पौधा इतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाता है। यह अभी 1 मीटर स्पेसिंग पे ही हम चल रहे हैं, 1 मीटर स्पेसिंग पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं फलों की गुणवत्ता। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं ये हमारा 2.5 मीटर x 1.5 मीटर का, यहाँ पौधों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले वाली की अपेक्षा, और अब आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस को फैलने के लिए पूरा इसमें मिला है, लाइट ज़्यादा अच्छी तरह से फलों तक पहुँच पा रही है, उसकी वजह से क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, कलर ज़्यादा अच्छा है, साइज़ ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो हमने ट्रायल लगाया है, अलग अलग तरह की स्पेसिंग देखी है, इससे जो हम यील्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं और फलों की गुणवत्ता देख रहे हैं लैब में एनालिसिस करके, तो हमने ये पाया है कि 1 से 1.5 मीटर की अगर स्पेसिंग हम विद इन रो रखते हैं और 2.5 से 2.5 मीटर रो टू रो रखते हैं तो उसमें हमें यील्ड भी ज़्यादा प्राप्त हो रही है और फलों की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी आ रही है बनिस्पत इस पर की 0.75 मीटर की स्पेसिंग रखी जाए।